ऊना के ग्रेट विधानसभा क्षेत्र में जनमंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। प्रशासन द्वारा 10 दिन पहले लोगों की शिकायतों को ऑनलाइन मंगवाया गया था, जिसमें प्रशासन के पास कुल 134 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिनमें से 49 पंचायतों को जनमंच कार्यक्रम में एक दिन पहले ही निपटा लिया गया, जबकि शेष ऑनलाइन शिकायतों के अलावा गगरेट सहित जिले के अन्य क्षेत्रों से आए लोगों की शिकायतों को उद्योग मंत्री तथा स्थानीय विधायक ने ध्यानपूर्वक सुना और कार्यक्रम में उपस्थित 32 विभागों के अधिकारियों को निर्देश देकर अधिकतर समस्याओं का निपटारा मौके पर ही कर दिया, जबकि लंबित समस्याओं को संबंधित विभागों द्वारा आगामी 15 दिनों के भीतर निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सरकार की इस पहल की गगरेट की जनता ने जमकर प्रशंसा की। लोगों की माने तो इस कार्यक्रम से लोग सीधे अपनी समस्या लेकर सरकार के समक्ष पहुंच रहे हैं और उनका निपटारा भी जल्द हो रहा है। मैं जनमंच के लिए यही कहना चाहूँगा, अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद करूँगा, जिन्होंने इतना अच्छा जनता के बीच में आकर ये कार्यक्रम जो है आयोजित किया है, और तय दिल से उनका आभारी हूँ अपनी हिमाचल सरकार का और हमारे यहाँ के विधायक श्री राजेश ठाकुर जी का। बहुत अच्छा ये एक पहल है और हम स्वागत करते हैं इस पहल का। हमारे गांव में पानी की समस्या थी, पानी प्रॉपर नहीं मिल पाता था। आजकल बरसातों में थोड़ी प्रॉब्लम और ज़्यादा बन जाती है, जब पानी आता है, बरसाती पानी आता है, तो ये समस्या हमने उठाई है यहाँ जनमंच के कार्यक्रम में, और हमारी समस्या का समाधान उन्होंने आश्वासन दिया है कि 10 दिन के भीतर भीतर जो है वो हो जाएगा। देखिए, जो जनमंच का जो एक कार्यक्रम है, जो हिमाचल सरकार और मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी द्वारा जो आयोजित किया गया है, वो एक बहुत ही जबरदस्त कार्यक्रम है। इसमें सभी विभाग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं भी अपने गांव, अपने घर की समस्या एक 3-फेज कनेक्शन के बारे में लेके आया था, जो कि जिसका निवारण समय मौके पर ही हो गया है। और ये बहुत ही कई ऐसे लोग हैं जो किसी विभाग में बार बार चक्कर लगाने से भी काम जिनका कोई नहीं होता है, वो सारे विभाग आज यहाँ एक जगह इकट्ठे हुए हैं और सभी का इन समस्याओं का निवारण एक जगह पर हो रहा है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी और गगरेट के विधायक श्री राकेश ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम का आयोजन उन्होंने विधानसभा में करवाया है। जैसे कि हमारे गाँव के लोगों को कोई समस्या लेकर, जैसे कि पानी की समस्या हो, या कोई CMO की समस्या हो, डॉक्टरों के लेकर, या डी साहब से लेकर, कोई भी समस्या होती है, लोगों को हमारे गांव से बाहर जाना पड़ता था, क्योंकि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो बहुत दूर पड़ता है। ये सरकार ने बहुत अच्छा किया है, जो कि जनमंच का एक प्रोग्राम किया है, और ये हमारी पहला जो फंक्शन है जो ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैं प्रधान जहाँ ग्राम पंचायत की बनी हूँ, लेकिन इससे लोग भी बहुत खुश है कि जो कि जनमंच जहाँ पे हो रहा है, इतने लोग खुश हैं कि पूछो मत कि हमारी समस्या जो है एक ही जगह पे हल हो रही है, और लोगों की इतने लोग आपके सामने आए हुए गांव के, देखो उनकी समस्या साथ में ही कैबिनेट मिनिस्टर कर रहे हैं। मैं बहुत आभारी हूँ सरकार की, धन्यवाद। उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर के मुताबिक सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना है। उन्होंने बताया कि गगरेट विधानसभा क्षेत्र की चिन्हित विशेष पंचायतों में संबंधित विभागों द्वारा लगातार जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया तथा पात्रों को योजनाओं के साथ ही जोड़ा गया। उद्योग मंत्री ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि उसे 3 भागों में बंटी हुई पार्टी है और बीजेपी 2019 में प्रदेश की सभी सीटें जीतेगी। के लिए एक जनमंच कार्यक्रम शुरू किया है और ये लगातार, जो मैं यहाँ पे तीसरे कार्यक्रम में आया हूँ, जिस प्रकार से भाई और बहन जिस प्रकार से यहाँ इस कार्यक्रम में आते हैं, जनता जनार्दन इस कार्यक्रम में आती है, वो इस बात की सूचक है, वो इस बात का संकेत देती है कि सरकार आम व्यक्ति की बात को सुन रही है। इसलिए इन कार्यक्रमों के माध्यम से मैं तो जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनसे भी यही निवेदन करता हूँ कि आप तो जिनका कोई सुनने वाला नहीं है उनको जनमंच कार्यक्रम में जरूर लाएं। आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, पिछले 7 महीनों के अंदर सरकार का यही सोचना है कि किस प्रकार से गरीब व्यक्ति की मदद की जा सके। गगरेट के विधायक राजेश ठाकुर के अनुसार इस योजना के तहत जनता सरकार के प्रतिनिधियों के समक्ष जो समस्या रखी उसे उसी समय संबंधित विभाग को पेश कर शीघ्र समाधान करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत लोगों को एक ही छत के नीचे अपनी समस्या का समाधान करवाने में आसानी हो रही है। गगरेट क्षेत्र में
हर व्यक्ति जनमंच का नाम लेना चाहता है। 133 एप्लीकेशनें पहले आ चुकी थी, उनका भी निपटारा हो चुका है। तो उसमें आम व्यक्ति जो कई जगह भटकता था, किसी के पास किराया नहीं होता है, कभी टैक्सी नहीं मिलता है, कभी डॉक्टर नहीं मिलता है, उसको चार डॉक्टरों में घूमना पड़ता है, फिर वो थक भी जाता है, फिर हमारे पास आता है। तो जो लाभ उसको जनमंच में आज मिलने वाला है, ये काबिले से ग्रेड के लिए क्या होता है? ग्रेड के लिए मेरी योजना है कि अपने ग्रेड के क्षेत्र की जनता को एक ठीक विधायक की जो उन्होंने कल्पना की थी, उसी पर मैं ठीक खरा उतरूँ और इनकी सेवा करूँ। मैं यही था कुछ ऐसे विकास कार्य जल्दी जनगाम विकास कार्य और जनसंपर्क, ये दो चीजें होती है। फिर से पहले राम नेताओं ने विकास कार्य की, सड़कें बनी, पुल बने, फिर भी लोग हारते हैं, देखते हैं। पहला होता है कि जनता का विश्वास। विकास तो हम करवाएंगे, करवा रहे हैं, जनता को लग रहा है। 6 महीने से हर गांव में हम धरोहर जाएंगे और 6 महीने कार्यकाल में हमने हर घर जाने की, जहां हमें बुलाया, शादी ब्याह किसी के दुख सुख में हम शरीक होते हैं या किसी के हर जगह जाते हैं। कभी भी जनता को ये नहीं लगना चाहिए कि हमारा नेता हमारे से दूरी बना गया। बुजुर्ग किसी ने कहा कि जरूर चुने में आएंगे, थोड़ी उम्मीद करें, आशा करें कि ग्रेड भी हमने अनुरोध किया था पिछली बैठक इंटरेस्टिंग एसोसिएशन के साथ हुई थी, और इन्होंने हमारा बाजार का इलाका देखा था, जहां आज भी 300 कनाल भूमि जहां इंडियन ऑयल का डिपो लगना वो खाली पड़ी है, इंतजार कर रही है। उद्योग मंत्री से अनुरोध किया कि हमारे इलाके में जो हमारा एक चीज जा चुकी है, उसकी कमी पूरी करने के लिए एक बड़ा उद्योग लाया जाए हमारे फैक्ट्री।